ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी खबरों की पड़ताल तह तक। गुरुवार की बट सावित्री की पूजा के लिए बरगद पेड़ के समीप सुहागिन महिलाओं की भीड़ उमर पड़ी। सुहागिन महिलाएं बरगद पेड़ की पूजा कर पति की लंबी आयु की कामना की। बरगद पेड़ के नीचे ब्राह्मण द्वारा महिलाओं को सावित्री की तप के कारण यमराज से उनके पति की प्राण रक्षा की कथा सुनाया गया। कथा सुनने के बाद महिलाओं ने ब्राह्मण को दान देकर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का जमकर धज्जियां उड़ाई गई। श्रद्धालु महिलाओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया, या सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कोरोना पर भारी दिखा आस्था का यह पर्व। लोग बिना मास्क के कहीं पूजा करते देखे गए। यहां बता दें कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार बट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव का वास माना जाता है। बट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ को देव वृक्ष माना जाता है, कहा भी जाता है, और देवी सावित्री भी इस वृक्ष में निवास करती है। मान्यताओं के अनुसार अगर देखा जाए तो ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन बट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। तब से ये व्रत बट सावित्री के नाम से जाना जाता है। इसी दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए बट वृक्ष की पूजा किया करती हैं। वृक्ष की परिक्रमा करते समय इस पर 7 बार कच्चा सूत लपेटा जाता है। महिलाएं सावित्री सत्यवान की कथा सुनाती हैं। सावित्री की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पति के संकट दूर होते, ऐसे मान्यता मानी जाती है। क्यों करते हैं? पति की आयु में लंबी आयु के लिए, बाल बच्चे की लंबी आयु के लिए, धन दौलत के लिए, अपने सुहाग के लिए करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? किरण सिंह। पूजा के बारे में आज बट सावित्री व्रत है। प्रत्येक स्त्री सुख सौभाग्य की कामना के लिए बट सावित्री का व्रत करते हैं। इस बट सावित्री व्रत में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को प्रत्येक स्त्री स्नान ध्यान करके बट वृक्ष के नीचे जल के पास ऋतु फल लौंग इलायची सुपारी अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करती है, परिक्रमा करती है और पंखा लेकर करके भगवान विष्णु का स्वरूप पति का ध्यान करके भगवान विष्णु को फोंकती है। पति की प्रसन्नता के लिए, हे विष्णु भगवान, हमारे पति पत्नी का प्रेम बना हुआ रहे, सुख सौभाग्य बना रहे, इस कामना से व्रत पूजा करके और ब्राह्मणों के द्वारा कथा श्रवण करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय पांडे। देखें कहते हैं पति के लिए किया जाता है, उनकी आयु लंबी आयु के लिए किया जाता है, परिवार की सुख शांति के लिए किया जाता है, समृद्धि के लिए किया जाता है, बाल बच्चे समृद्धि के लिए किया जाता है, बाल संसार देख रहे हैं, भगवान इस कोरोना से मुक्ति दे सबको। क्या नाम है आपका? नमिता कुमारी। लंबी उम्र के लिए किए हैं, पति की आयु के लिए किए, लंबी उम्र के लिए शांति के लिए। क्या नाम है आपका? रेणु गंजिया।